राधे राधे मित्रों, यह बात है दिनांक 31 अक्टूबर दिन मंगलवार की। यह बात है दिनांक 31 अक्टूबर मंगलवार की। समय सुबह के 12:30 बजे मैं किसी कारणवश अपनी गाड़ी से बाज़ार गया। हैंडल पर मैंने एक थैला लटका दिया जिसमें कुछ वजन था। इस कारण मेरी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद तुरंत आगे बढ़ गई और वह गाड़ी एक छोटी सी एक फुट की नाली नुमा पोखर में के सामने गिर पड़ी। दुर्भाग्य से मेरा भी गिरना हुआ। मैंने गाड़ी उठाई, लोगों ने सहायता की, सामान उठाया और मैं चला गया। लगभग आधा घंटे बाद मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल मेरे जेब में नहीं है। मैं तुरंत घटनास्थल पर गया। घटनास्थल पर मैंने लोगों से राय से मोबाइल ढूंढा। जिस नाली के पास गाड़ी गिरी थी उसमें भी दो तीन बार देखा, मोबाइल कहीं नहीं मिला। मैंने आकर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, आवेदन दिया उनको और आवेदन देने के बाद मैं सीधे अपनी दुकान पर आया। इस दुकान पर आने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि अब मोबाइल मिलने वाला नहीं है, परंतु मोबाइल में लगातार घंटी जा रही थी। मेरे बच्चा भी घंटी बजा रहा था, मोबाइल में घंटी बज रही थी। मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, परंतु मेरा मन नहीं माना। लोगों ने कहा अब आप जो है टेंशन फ्री हो जाएं, मोबाइल मिलने वाला नहीं है। परंतु मैंने पंडोकर सरकार धाम से मन ही मन प्रार्थना की कि हे मेरा पंडोकर सरकार, मेरा मोबाइल आज मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस ऐसा विचार करके जैसे ही मैं मन नहीं माना, मैं घर जाने वाला था, पुनः मैं घटनास्थल पर गया। उसी नाली में जिसमें मैंने दो बार मोबाइल को चेक कर लिया था, नहीं मिला था, एक बार फिर से मैंने पानी निकाला, थोड़ा सा हाथ डालकर देखा, उसमें मेरा मोबाइल मुझको जीवित मिला। मेरे मोबाइल पर मेरे बच्चे की रिंग आ रही थी। मैंने गिलाव में भिड़े हुए मोबाइल को कपड़े से पहुँच कर, अपने कुर्ते से कुर्ता पजामा से पहुँच कर मैंने मोबाइल उठाया। मेरी बात हुई, 3 घंटे मोबाइल मित्रों इस दौरान नाली में पड़ा रहा पानी में। एंड्रॉयड मोबाइल था, इसी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और यह मोबाइल मुझको साक्षात मिला। श्री पंडोकर सरकार की जय हो, आदिमान महाराज की जय हो, गुरु जी की जय हो।